नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco F6 5G versus Vivo T3 X का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F6 5G में 6.32 इंच जबकि T3 X में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F6 5G में 2.93 इंच जबकि T3 X में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F6 5G में 179 ग्राम जबकि T3 X में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि F6 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F6 5G में AMOLED जबकि T3 X में LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F6 5G में 6.67 इंचेस जबकि T3 X में 6.72 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F6 5G में 1220x2712px FHD+ और T3 X में 1080x2408px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F6 5G में 89.95% जबकि T3 X में 86.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो F6 5G में 446 पिक्सल प्रति इंच जबकि T3 X में 393 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F6 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और T3 X की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F6 5G में 20 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T3 X की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F6 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और T3 X में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F6 5G में Adreno 735 जबकि T3 X में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F6 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और T3 X में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 मिलता है। बात करें RAM की तो F6 5G में 12GB की RAM मिलती है जबकि T3 X में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F6 5G में 256GB जबकि T3 X में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो F6 5G में नहीं है जबकि T3 X में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी F6 5G में 5000 mAh जबकि T3 X में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
F6 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 12 गीगाबाइट रैम 256 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 31,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें T3X की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो पोको F6 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो T3X की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F6 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में F6 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G0 4G है, तीसरा Oppo F25 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Tecno Camon 35G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।